फाइल ले लेनी है। फाइल मेन्यू में आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे या इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन, यहाँ से लेटर की जगह A4 पेज सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ भी। इसको पहले राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज़ कर लेते हैं और उसके बाद इसको ऑल्ट के साथ क्लिक करके इधर को ले आते हैं सेंटर में, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइपिंग टूल से कुछ टाइप कर लेते हैं, और उसके बाद हम टाइपिंग टूल से यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ टाइप कर लिया है और हम देख रहे हैं जब हम कोई भी टूल लेते हैं तो उस टूल के अकॉर्डिंग कंट्रोल प्लेट में ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इस टूल को लेने पर इसके ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने यहाँ एक बॉक्स बना दिया तो इसके ऑप्शन आने लगे, और इसी तरह अगर मैं दूसरा कोई और टूल ले लेता हूँ तो उसके ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये हमें हाइट और विड्थ दिखा रहा है, तो इसकी हाइट और विड्थ ये जो है, ये वाला जो है एक्स और वाई, ये होती है पेज की दूरी। अगर हमने 6 इंच लिख दिया तो पेज से 6 इंच दूरी पर ले आएगा इसको, और अगर हमने यहाँ 5 लिख दिया तो 6 और 5 की दूरी पर ये इस समय बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पेज के अंदर, तो इस तरह से हम पेज की दूरी पर इसको सेट कर सकते हैं। तो इनके सबके अलग अलग ऑप्शन हैं। अभी हम टाइपिंग टूल को देखते हैं, टाइपिंग टूल के साथ में कंट्रोल प्लेट का क्या यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कंट्रोल प्लेट का टाइपिंग टूल के साथ में होता है, तो हमें ज़रूरी है कि टाइपिंग टूल का क्या यूज़ है। जैसे कि देखिए ये मूव टूल ले रखा है तो ये दूरी बता रहा है कि आपके आप पेज की कितनी दूरी पर है। जैसे कि ये 3 इंच 4 इंच दिखा रहा है, तो ऊपर आप स्केल देख रहे हैं तो उसमें 4 इंच ही पर ये वो आ रहा है, एक छोटा सा पॉइंट सा, तो वो अगर हम 5 पर लाते हैं तो 5 पर जा रहा है वो, और नीचे 5 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये यही दूरी बता रहा है कि आप पेज के कितनी दूरी पर हैं, 5 इंच पर, 3 इंच पर, 4 इंच पर, और ये जो है लॉक हो जाता है 3 इंच पर आकर कंट्रोल प्लेट माने से। और अभी देखिए 3 इंच दिखा रहा है, 3 इंच और 78 जो है उसके अंदर के छोटे पार्ट्स, और ये नीचे को 5 इंच तक जा रहा है, 5 इंच इस तरह से। तो इसको ये मूव टूल के ऊपर इस तरह से वर्क करती है कंट्रोल प्लेट। और टाइपिंग टूल में इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो टाइपिंग टूल में देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये टी वाले ऑप्शन होते हैं, इस टी पर क्लिक करने से ये ऑप्शन आते हैं, और नीचे पी पर क्लिक करने से दूसरे पैराग्राफ ऑप्शन भी आते हैं। ठीक है, तो टी वाले देखते हैं, यहाँ से टी वालों में इसको सिलेक्ट करके, सारा काम सिलेक्ट करके होगा, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम इसकी यहाँ से। यहाँ बहुत सारी फॉन्ट्स होती हैं और सभी कंप्यूटर में नहीं होती, अलग से डालनी पड़ती हैं। यहाँ पर ये देखिए ये चल रहा है, ये हमने ये लगा दिया, ये कुछ चाइनीज़ फॉन्ट था, अब ये लगा रखा है हमने, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस फॉन्ट, इस तरह हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जूम टूल है, जूम टूल की मदद से हम इसको जूम कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमने क्या फॉन्ट्स लगाई है। उसके बाद हम टाइपिंग टूल फिर से ले लेते हैं और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट हो जाता है सारा। ठीक है, माउस को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए, अगर आपने वर्ड यूज़ किया है तो आप समझ सकते हैं। कंट्रोल ए फिर से करेंगे, ये हमने बोल्ड कर लिया, नीचे जो बटन होता है ये बोल्ड का होता है और इधर वाला नॉर्मल का होता है एन जो है, और ये आई इटैलिक के लिए होता है, थोड़ा तिरछा करने के लिए। ये देखिए ये हो गया, और ये यू अंडरलाइन के लिए होता है। अब इसके नीचे अंडरलाइन क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये फॉन्ट इस तरह का है कि इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी अंडरलाइन लाने के लिए इसके नीचे पहले फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा हमें, वो कैसे, यहाँ से इसको सिलेक्ट तो हमने कर ही रखा है, कोई फॉन्ट चेंज कर दो, एरियल कर लो, एरियल। ठीक है, ये एरियल लगा दिया हमने, तो अब देखिए इसके नीचे अंडरलाइन भी आ रही है, या जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतने के नीचे भी ला सकते हैं, सारे के नीचे लाने ज़रूरी नहीं है अंडरलाइन। ठीक है, तो ये देखिए ये आ रही है, तो यहाँ से इस तरह से हम इसके अंडरलाइन ला सकते हैं, या जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतने के नीचे भी ये आ सकती है, ये आ गई यहाँ से। ठीक, उसके बाद ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बोल्ड कर लिया है, ये हमने इसको बोल्ड कर सकते हैं, और हम चाहते हैं ये जो
ये जो सी है ये चेंज केस के लिए है। चेंज केस होता है कैपिटल में लेटर करने के लिए, स्मॉल लेटर को कैपिटल में करने के लिए, ठीक है। ये छोटा दिख रहा है तो इसलिए वो टेक्स्ट छोटे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल होकर, और अगर हम बड़े वाला सिलेक्ट कर ले तो वो बड़े दिखाई देंगे। देखिए ये छोटे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल में, दोबारा से करता हूँ, ये देखिए ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम इसके पास वाले पर दूसरे पर क्लिक करते हैं तो ये बड़े दिखाई दे रहे हैं कैपिटल में ही, ठीक है। तो ये सी का कमाल है, चेंज केस होता है ये कैपिटल करने के लिए, खाली केवल कैपिटल करने के लिए ही यूज़ होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को कटा हुआ दिखा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कमांड का नाम होता है। ये जो ये नीचे कटा हुआ दिख रहा है ये स्ट्राइक थ्रू है, तो इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को ऐसा दिखा सकते हैं कि ये कटा हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ नहीं है। अगर हटाना आता है तो हटा कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी दूसरे की फाइल चेक कर रहे हैं तो उसमें हम गलतियों पर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। या ये आर जो होता है ये रो, ये हाइड करने के लिए होता है। ये एच है, ये रो के जितने को हम सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर वाइट कलर कर देता है, इसलिए वो दिखना बंद हो जाता है और हमें लगता है कि ये उसको हाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा उतना एरिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर हम उसे सिलेक्ट करके ब्लैक कलर कर लेंगे तो वो कमांड्स हट जाएगी हमारी, ठीक है। ये देखिए वो हट गई कमांड्स, या उस पर क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो एस होता है ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि हम चाहते हैं, हमने यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ट्वेल्थ लिखा है, ट्वेल्थ लिखा है, और ये टी एच को हम ऊपर करना चाहते हैं, ये जो थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ आता है ना, तो ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर हो जाएगा और सबस्क्रिप्ट से नीचे हो जाएगा। ये दोनों कमांड सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये देखिए ये सबस्क्रिप्ट है नीचे लाने के लिए, अगर हम दो बार इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसका यहाँ से साइज़ बढ़ा ही सकते हैं। ये जो ऑप्शन है नीचे 12 जहाँ दिया हुआ है, एक्चुअल साइज़ हम इसको फिट विंडो कर लेते हैं। तो फिट विंडो अगर हम करते हैं तो ये देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, हम चाहते हैं कि ये यहीं पर दिखाई दे, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसका साइज़ बढ़ाना होगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, 28, 30, 24 जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये साइज़ बढ़ाने का हो गया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और हम इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। तो जितना सिलेक्ट हुआ होगा उतने का साइज़ कम होगा, ये नीचे चला गया था इसलिए नहीं हुआ इसका, ठीक। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर अगर हम इसकी लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सक वो यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए होता है, नॉर्मली जो है 25 होती है, ये लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए होता है 25, ठीक है। और यहाँ से 36 और 72 भी हम इसको कर सकते हैं। ये ऊपर वाला बढ़ाने के लिए है, नीचे वाला कम करने के लिए है। कम करेंगे तो ये आपस में मिल मिल के लिखा जाएगा। और ट्रैकिंग होता है ये टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट होता है काफ़ी मिला मिला लिखा हुआ अगर हो तो उसको लूज़ करने के लिए, वेरी लूज़ करने के लिए। अब ये वेरी लूज़ हो गया तो थोड़ा छीदा छीदा दिखाई देगा, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग अलग, या लूज़ कर देंगे तो थोड़ा लूज़, नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि होता है ये, और टाइट कर देंगे तो थोड़ा मिला मिला हो जाएगा, और अगर हम वेरी टाइट कर देंगे तो बहुत मिला मिला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें जो हमने बिजनौर लिखा हुआ है तो उसमें आई और जे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, और ये लूज़ नॉर्मल वेरी वेरी लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ये जो नीचे है हमारा जो है इसको वैसे नॉर्मल ही रखते हैं अधिकतर, ठीक। ये जो ट्रैकिंग है अपने लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, नीचे वाला जो है ये टेक्स्ट के बीच में स्पेस कम करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये वही नॉर्मल बात है, ये हम वहाँ से नॉर्मल से कर सकते हैं या फिर यहाँ से ट्रैकिंग इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं, दोनों जगह से एक ही बात है। इसी तरह ये ट्रैकिंग है, ये हम इसमें भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको भी करके दिखाया था जब हमारा कलर वाला ट्यूटोरियल चल रहा था, आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि ये जो है टेक्स्ट को फैलाने के लिए यूज़ होता है। आप चाहते हैं हमारा टेक्स्ट थोड़ा कम है और वो फैल कर ज़्यादा ज़्यादा दिखाई दे, तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं।
और ये लाइन के बीच में स्पेसिंग कम करने और बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, जो ये नीचे वाला है लास्ट वाला। तो इस तरह से हम टेक्स्ट टूल का पूरे का यूज़ कर सकते हैं। और ये नीचे पैराग्राफ टूल है, यहीं पर जब हम टाइपिंग टूल लिए हुए होते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक टी और एक पी, मैंने बताया था टी टाइपिंग वालों के लिए होता है और पी पैराग्राफ अगर आपने टाइप कर लिया है तो उसकी सेटिंग्स करने के लिए होता है। तो पैराग्राफ